Good morning, my dear student. Today I will explain chapter 4, skeletal and muscular system. In this chapter, first point is cartilage. Cartilage क्या है? एक tough elastic tissue है. Tough means to say कठोर, flexible tissue है. ये present कहाँ होता है? Ankle में, knee में, elbow में, हमारे घुटने में, कोहनी में present होता है. And vertebrae जो उनकी backbone में भी present होता है. इन area में ये tough होता है, यानी कि कठोर होता है, flexible होता है. हाँ, tough कमी नहीं, हम यहाँ पे मजबूत भी ले सकते हैं. जैसे हमारे shoes वगैरह हैं, अगर हम उसे टच करते हैं तो वो soft से लगते हैं, लेकिन वो tough होते हैं, मजबूत. अब ये nose और जो ears हैं हमारे soft cartilage से बने हुए हैं. कभी भी आप इसे टच करके देखिए nose के tip को, तो वो बहुत, अगर हम नोज के टिप को छूते हैं तो वो सॉफ्ट लगेगी, और उसके अपर साइड को आप टच करोगे तो वो हार्ड लगेगा. तो ये जो नोज के टिप हो गया या हमारे ईयर का आउटर एरिया हो जाता है, उसको भी आप टच करते हैं तो वो सॉफ्ट लगता है. वो सॉफ्ट कार्टिलेज से बना हुआ होता है. सॉफ्ट कार्टिलेज है ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं. कार्टिलेज प्रिवेंट आवर बोन्स फ्रॉम द रबिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड वेयरिंग आउट. रबिंग का मतलब ये बोन्स के आपस में रगड़ करने से बचाते हैं और आउटर एनवायरनमेंट से हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं. मूवमेंट ऑफ द बॉडी हैपन व्हेन कार्टिलेज एंड बोन्स वर्क टुगेदर विद द मसल्स. आप एंकल्स, नी एंड एल्बो जो हो गई, तो ये जब मूव करती हैं तो ये मूव सिर्फ कार्टिलेज की हेल्प से नहीं करती हैं. जब ये मूव करती हैं तो इसमें बोन्स, कार्टिलेज एंड मसल्स तीनों पार्टिसिपेट करते हैं, तब हमारे ये पोर्शन जो होते हैं मूव करते हैं. इनको मूव करने की नीड नहीं है, ये सिर्फ हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं आउटर एरिया से. नेक्स्ट पॉइंट आता है मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर का मीनिंग क्या होता है? मांसपेशियां. हमारी बॉडी में कितनी है? 650, और इनका पूरा वेट हमारी बॉडी का 40% है. एक पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन एंड टेंडर. कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? मसल शॉर्टन एंड टैक्टी. यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को हम खिंचाव भी बोल सकते हैं. मसल्स में जनरली हम कोई भी वर्क करते हैं तो उनमें खिंचाव होता है, यानी कि वो मोड़ेंगी नहीं, कहीं मूव नहीं करती, लेकिन एक खिंचाव के थ्रू हमारी पूरी बॉडी को मूव करवाती हैं. एंड टेंडर, टेंडर का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पर मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली नसों को हम बोलते हैं टेंडर. They are attracted to the bones by a special kind of tough elastic cord called tendons. ये नसें होती हैं जो हमारी muscles के अंदर present होती हैं. एक word है, जैसे आप कोई work करते हैं अपने hand से करते हैं. Type of muscles. Next type of muscles. Three types की होती हैं. Voluntary muscles. Voluntary muscles हम किन्हें बोलते हैं? जिन पे हमारा पूरा control होता है. हमारे आर्म हो गए, लेग हो गए, हैंड हो गए, फिट हो गए, इनके थ्रू हम जो भी वर्क करते हैं उसमें हमारा पूरा कंट्रोल होता है. जैसे वॉक, चलना, डांस करना, जंप करना, तो ये सारे जिन जो मसल्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं उनको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स. और ये विद द हेल्प ऑफ बोन्स, ये बोन्स से अटैच होती हैं और इनके साथ बोन्स भी मूव कर रही होती हैं. तो वॉलेंट्री मसल्स क्या हैं? विद द हेल्प ऑफ बोन्स ये मूव करती हैं और ये आर्म, लेग और हैंड फुट में प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट आता है हमारा इनवॉलेंट्री मसल्स. इन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता. ये चिकनी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं. जैसे ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं. फूड पाइप जो हमारे नेक में प्रेजेंट होता है, जिससे हम खाने को च्यूइंग करने के बाद खाते हैं, तो स्टमक में जाता है डाइजेस्ट होने के लिए. तो स्टमक में हमारी इंटेस्टाइन भी है, तो इस एरिया में ये पाई जाती हैं. थर्ड पॉइंट आता है कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और ये नॉन स्टॉप 24 आवर्स तक वर्क करती हैं. जैसे हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं ये हमारे, और हार्ट बीट को कंट्रोल करती हैं. तो इनवॉलेंट्री कार्डियक में क्या डिफरेंट है? ये तो थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगी, बट ये 24 आवर्स में कभी भी रेस्ट नहीं करती हैं. एंड दे पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हार्ट क्या 24 आवर्स तक वर्क करता है, हमारी बॉडी में ब्लड को फ्लो करता है, हार्ट बीट को भी कंप्लीट करता है. अब एक पॉइंट आता है आपका, जो मैंने यहाँ पे अभी मसल्स को लेके एक लास्ट पॉइंट है कि मसल्स पुल, मसल्स के अंदर खिंचाव पैदा होता है. आप उनको एक जगह से दूसरी जगह पुश नहीं कर सकते,
जैसे आप कोई भी वर्क करते हैं तो मसल्स ग्रुप में वर्क करती हैं। अगर आप अपने हाथों को किसी हाथ से किसी चीज़ को उठाते हैं तो उसमें टू पेयर मसल्स अगर वर्किंग फॉर्म में है तो टू पेयर मसल्स जो होती हैं उनके अपोजिट वर्क करती हैं। यही रीज़न है कि स्ट्रेचिंग द जॉइंट्स, हमारे जॉइंट्स सीधे रहते हैं। थैंक यू सो मच।